विराट सोल्जर की महोत्सव जाम खम्बालिया में हो रहा है। यहाँ के भक्तजनों की आतुरता इतनी बढ़ गई है कि बहुत बड़े स्वरूप में यहाँ सोम यज्ञ होगा। तो यह सोम यज्ञ डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महोदय के वरद हस्त से सोम यज्ञ होगा। डॉक्टर ब्रजोत्सव जी महोदय ने छोटी सी उम्र में सोम यज्ञ का शुभारंभ किया। वो चारों वेदों के वेद वेदांत के विद्वान है, उपनिषद के विद्वान है, श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के विद्वान है। सोम यज्ञ शुद्ध वैदिक आयोजन है और इसे करने के लिए दिगंत विद्वान की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर ब्रजोत्सव जी महोदय ने 46 सोम यज्ञ किए और 47वां सोम यज्ञ जाम खम्बालिया में 31 मार्च से 5 अप्रैल तक यह विराट सोम यज्ञ महोत्सव चलेगा। इसमें देश और विदेश से फॉरेन से भी भक्तजन आएंगे, क्योंकि इस आधुनिक युग में ऐसे विराट भक्तिमय आयोजन का होना इस बात का संकेत है कि लोगों को बहुत फायदा हुआ। तभी तो लोग ऐसे धर्ममय कार्यक्रम करते हैं, इसमें समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। जब अग्नि स्वरूप से अग्नि नारायण यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं तो समस्त आधि व्याधि ग्रह दोष गाद सर्प दोष ये सभी दोषों का निवारण हो जाता है, ये सब दोष दूर हो जाते हैं। हमारे वल्लभ कुल आचार्य परंपरा में 500 सोम यज्ञ के बाद जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था और वही परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महोदय ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। 46 सोम यज्ञ में से उन्होंने लंदन में भी सोम यज्ञ किया और पवित्र जल तीर्थों का जल भारत भूमि की तीर्थ स्थलों की पवित्र भूल रज वो सब वहां ले गए वनस्पति और सोम यज्ञ किया। आज खम्बालिया में सोम यज्ञ हो रहा है। इस सोम यज्ञ के मंडप में वंश का मंडप बनाया जाएगा, बांस का मंडप बनाया जाएगा जो वंश वृद्धि का सूचक है। मनुष्य का जीवन कामनाओं से भरा हुआ है। पहले वो चाहता है कि मेरे यहाँ संतान हो, संतान हो जाती है तो वो चाहता है कि उसका अच्छा पालन पोषण हो, फिर वो चाहता है कि उस अच्छे ढंग से बड़ा हो जाए और खूब ब्रिलियंट निकले, उसे अच्छा स्कूल मिले, अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे गुरु मिले, धार्मिक शिक्षा भी मिले, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा तो मिलती है लेकिन दीक्षा नहीं। और जब सोम यज्ञ जैसे आयोजन में हम दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ शिक्षा भी मिलती है और दीक्षा भी मिलती है। हमारी परापूर्व की जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, उसका दर्शन होता है। हम उस वातावरण में जीते हैं, जीना सीखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में कैसे यज्ञ किए थे।
बाद में माता पिता सोचते हैं कि अच्छे स्कूल के बाद अच्छा कॉलेज मिले, विश्वविद्यालय मिले, अच्छी यूनि मिले, यूनिवर्सिटी मिले, अच्छे अंक से वो पास हो, उसे अच्छी नौकरी मिले, जॉब मिले, उसका अच्छा बिजनेस हो, सोसाइटी में आगे बढ़े, अपना नाम देश और देश विदेश में भी नाम रोशन करे, विदेश जाए, फिर माता पिता सोचते हैं उसकी शादी हो, अच्छी कन्या मिले, अच्छा घर मिले, अच्छे संस्कार में ही कन्या मिले, संस्कारों से संपन्न, फिर उसके यहाँ भी पुत्र एवं पुत्री का जन्म हो। ये अनेक अनंत कामनाएं जीवन में लगी, कामनाओं का अंत नहीं, किंतु भगवान की कृपा का भी अंत नहीं, भगवान का अनुग्रह भी अनंत है। इसलिए सोम यज्ञ में दो दो बार पीले अक्षत की वर्षा की जाए। पीले अक्षत से डॉक्टर वृद्धोत्सव जी महोदय शुभाशीर्वाद देंगे और उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में 17 ब्राह्मण देवता पंडित भूदेव उनके मार्गदर्शन में इस सोम यज्ञ को संपन्न करेंगे।